तुम मुझे उससे मिलवाओगे, रॉबिन से जो रॉटवाइलर है। आपको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ इन्होंने रॉटवाइलर का नाम रॉबिन क्यों रखा है। फ्रेंडली नहीं बोल सकते, अग्रेसिव नहीं है ह्यूमंस के लिए। अभी नए लोग हैं सारे, तो हम भी डर रहे हैं थोड़ा आगे जाने के लिए, लेकिन ऐसे खाना पीना नहीं। अग्रेसिव नहीं है, ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, पर फिर भी सब इससे डरते हैं, इसलिए इसका नाम इन्होंने रॉबिन रखा है। और एनिमल्स के लिए तो ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एनिमल्स पे अटैक करता है ना। पहले भी इसकी जो हिस्ट्री उन्होंने बताई कि काफी डॉग्स पे अटैक किया इसने। दो तो कुछ नहीं, कुत्ता को ऐसे तो कुछ नहीं बोल लेगा यार। तो हमने आज ये प्लान किया कि सेकंड हाफ में इसको ये सारे जो हमारे गाय बैल तो अंदर चल जाते हैं, इन लोगों को भी अंदर करके फिर उसके बाद हम इसको निकालने की कोशिश। हाँ, ये तो केज के अंदर से इनको खा लेना चाहता है। तो इसकी कहानी क्या है, ये उनके घर में आ गया था। उनका कहना ये था कि हमारे घर में कोई डॉग आ गया है, 4 दिन से है, बहुत बड़ा है, लोग सारे डर रहे हैं। वो तो समझ गए थे कि डॉग बड़ा है, फोटो देख के तो ये अग्रेसिव भी होते हैं, क्योंकि लोग उनको ट्रेन ही ऐसा करते हैं ना। हाँ, मतलब रॉटवाइलर कोई ब्रीड अग्रेसिव नहीं है, पर जिस तरह के लोग इन्हें पालते हैं ज्यादातर वो इनको अग्रेसिव बना देते हैं। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि 9 दिन से रह रहा है आसपास में, खड से आ गया था साथ में। अटैक तो हम पे नहीं किया, लेकिन पेट डॉग्स पे वहाँ पर उसने अटैक किया, जिसके वजह से वहाँ पर थोड़ी दहशत हो गई ना। लोगों पे किसी पे अटैक नहीं किया, क्योंकि उसके घर के अंदर रह रहा था ये पता नहीं कहाँ से आया हमारा ये ना। ये यहाँ पे बारिश थी ना, तो यहाँ पे बैठ गया ये दिन, तो बस फिर उसके बाद यहीं पे लेट गया। तो उन्होंने इसको घर में आने क्यों दिया, इसने मतलब बेल बजाया, इसने कहा कि जी मैं आवारा अबैंडन्ड ब्रीड डॉग है, आ रहा है अच्छे से रह रहा है, उनको कुछ नहीं कर रहा है, तो उनको क्या, अगर ये सेटल हो गया तो और अच्छी बात है उनके लिए, उन्होंने घर में अंदर रख लिया था। उसके बाद जब मेरे से दोबारा बात हुई, मैंने वीडियो देख के उन्हें कॉल किया, बेटी जी तेरी जैसे, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं मैम 2 हफ्ते से रह रहा था यहीं पे, अभी तक तो कुछ नहीं, बस ना लास्ट में जिस पेट डॉग पे अटैक किया ना, इधर ही चलते हैं, ये परेशान होगा हमारी वजह से। किसी पेट डॉग पे इसने अटैक किया ना, यहाँ पे पालतू कुत्ता था ना वो, तो ये खुला हुआ चला था वहाँ पे, और इसने देख लिया और बस इसने गले से पकड़ा था, वो बड़ी मुश्किल से छुड़ाया है। फिर उसके बाद कल परसों यहाँ पे एक कुत्ता आ गया था, इसको हमने बाहर निकाला था, और ये यहाँ पे एक कुत्ता आया और इसने पकड़ा और बस फिर तो छोड़े ने बाहर, वहाँ ले गया उसको घसीट घसीट के, वो भी बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, इतने डंडे मारे इसको तो छोड़ा इसने वो भी। उसको बहुत पीटा गया ना उस टाइम पे डंडे से इसको, रॉबिन को। अब जो इसको पकड़ने की कहानी है ना, वहाँ पे कहीं पे हमारी वैल्यूज़ में थोड़ी कॉन्ट्राडिक्शन आती है। हमारे यहाँ पे स्लॉटर हाउस का जो वेस्ट चिकन होता है वो आता है, जिसका हम सूप बना के डॉग्स को देते हैं। तो जब इसको पकड़ने जाना था तो हमने साथ ही में वो भेजा। अब इसको पकड़ना इतना कठिन हो रहा था कि वो सारा चिकन ख़त्म हो गया। तो जो हमारे वॉलेंटियर आए हुए हैं हितेश, जो कि डॉग ट्रेनर हैं, साथ गए थे, उन्होंने एक फैसला लिया, उन्होंने ताज़ा कच्चा चिकन खरीदा इसको पकड़ने के लिए, और उन्होंने कहा कि भाई आप सारी बात मेरे पर डाल देना, कि मुझे पता है आप लोग तो एक वीगन रेस्क्यू हैं, पर अगर वो मुझे उस समय फ़ोन भी करते ना तो भी मैं शायद उन्हें यही कहता कि हाँ भाई आप खरीद लो, क्योंकि अगर इसको ना पकड़ते तो ये 4 और कुत्तों को घायल करता, फिर ये खुद पिटता, इसके चक्कर में 4 और कुत्ते पिटते, तो जहाँ पे 8-9 जीवों को सफरिंग होती उसके बजाय 1 को सफरिंग हो बेहतर है। तो आई थिंक यही कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम रेस्क्यूज़ ले आते हैं और उन रेस्क्यूज़ को ज़िंदा रखने के लिए रोज़ चिकन खरीदते हैं, मटन खरीदते हैं, तो हम एक की सफरिंग प्रिवेंट करने के लिए रोज़ कईयों को सफ़र करा रहे हैं, और उस बात से मैं अग्री नहीं करता। जो दूसरा इंटरेस्टिंग रेस्क्यू आया वो लेने मैं गया था, पर कॉल ज्योति को आई थी, तो ज्योति आपको डिटेल्स देगी और फिर मैं रेस्क्यू के बाद का बताता हूँ। हमें एक शीप के लिए कॉल आया था धर्मकोट से, उन्होंने बताया कि इस शीप का पैर टूट गया था, उन्होंने ट्राई किया लेकिन इसकी टांग बनी नहीं है। हाँ, ये बनने वाली है, फिर इसको बेच देंगे, फिर मैं इसको घर ले आया था। इन लोगों ने किसी तरीके से उनको रोक लिया कि नहीं नहीं इसका पैर ठीक हो जाएगा, हम कर देंगे और उसके बाद हम रख लेंगे, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं ऐसे तो मैं नहीं दूंगा। डिस्कस यही तो किया था मैंने कि करना क्या है इसका, एक्चुअली अगर मैं ऐसे आपको दे दूं तो वो मेरी नहीं है ना, ये जिन्होंने दिए उनसे भी हमने ऐसे ही बोल के लाए हैं उसको, चलो इसको काट के जो पैसे बनेंगे वो आपको दे देंगे। तो बकरियां तो हमारे यहाँ बड़ी इकट्ठी हो रखी हैं, मीमी अकेली रहती है, तो भेड़ तो हमें रेस्क्यू करनी थी, तो मैं वहाँ पे गया दौलत राम जी के साथ, रोहित जी जिन्होंने रेस्क्यू कर रखा था उनकी सिस्टर थी, उनकी सिस्टर ने पहले भी एक भेड़ पाली थी नूरी करके, तो इसलिए उनका बड़ा लगाव था। अभी वो जाते हैं ना भेड़ पालक यहाँ से ऊपर निकल जाते हैं, तो जो काम की नहीं होता उनको वो छोड़ जाते हैं, तो वो भी छोटी बच्ची थी वो क्लाइम नहीं कर सकती थी ऊपर, तो यही छोड़ जो पहाड़ है इंद्र क्रॉस करके जाना पड़ता उनको, तो वो भी उनको छोड़ गई थी, वो भी हमने रख ली थी। तो इसको भी हम लोगों ने तो उनको यही बोला कि हाँ काट के पैसे आपको दे देंगे ना, हम फिर हमने सोचा कि चलो ठीक हो जाएगा, वापस आएंगे, तो उन्होंने बोला कि अब इसको दे देना किसी को काटने वाले को ले, तो इसको हम जाते हैं ठीक भी हम कर लेंगे, फिर जब वो आएंगे तब की तब देखेंगे क्या करना।
अभी तो बच्चा है इसकी, इसका नाम भी नूरी रख दें। हाँ रख दो आपको जैसे ठीक है। उनको यही था कि भैया हमें पैसा तो चाहिए। अब ये क्या है क्या कि भाई 250 रुपये किलो के हिसाब से इसकी जो जीवन की कीमत आंकी जाएगी। मैं बारी बारी मीमी को पॉइंट कर रहा हूँ, वो तो पता नहीं नूरी तो कहाँ घूम रही है। तो मैंने कहा कि वजन तो हम इसका अभी करेंगे और अगर एम्प्यूटेशन हुई तो हम टांग का वजन निकाल के इसकी कीमत आंकेंगे और उसके बाद जब ये ठीक हो जाएगी, जब मोटी ताजी कर देंगे, उसके बाद का नहीं, क्योंकि तब तो इसको बचाना हमें और महंगा पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ इनका इसकी ऊन उतार के वजन करके भेज देंगे, ऐसा ना हो ना कि जब ये ठीक हो अब हमारी भी अटैचमेंट हो जाएगी। हाँ। स्टाफ को भी लगेगा कि नहीं फिर एक और भेड़ है हमारे पास मीमी, उसकी भी दोस्ती हो जाएगी इससे। हाँ। और खिला पिला के मोटा कर देंगे इसको, वो कहेंगे कि अब तो ये ज्यादा की है। जस्ट 2 दिन पहले वेनू ने मुझे एडवाइस किया था, वो भी कोई बुक पढ़ रहा था, उसने बताया कि शीप अकेले नहीं रह पाते, वो काफी डिप्रेस हो जाते हैं, एटलीस्ट एक तो चाहिए ही। और हम सोच ही रहे थे कि इस बारे में कुछ सोचना पड़ेगा करके, हम सोच ही रहे थे कहीं पे तार टापे और एक भेड़ नहीं लिटरली इस बारे में हम सोच रहे थे ना, तो मैंने सर से भी बात की थी भाई किसी की जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत अगर रूल्स को बेंड करना पड़े तो इतना तो बनता है। मुझे एक एक्सट्रीम सा रेस्क्यू है, नाली में था डॉग या वो रजौल से ही रेस्क्यू हुआ था वो डॉग, उसके लिए हमें कॉल आई थी शाम को और ये बताया कि डॉग के कान वाले एरिया में बहुत बड़ा सा वुंड है जिसमें काफी मैगेट लगे हुए हैं। एक्चुअली कान में शायद लगी है ना, उसके कारण है कुत्तों ने काटा है ना। क्लियरली कुछ समझ नहीं आ रहा है लेकिन देखने से लग रहा था उनको कि हाँ डॉग ब्लाइंड है। अच्छा डॉग दिख रहा था, ड्रेन में था। हाँ ड्रेन में अंदर से उनको दिखा ना, जब कोशिश की तो डॉग एक्चुअली उसको समझ नहीं आ रहा था उसको निकलना कैसे, वो ब्लाइंड था ही। हमारे फिर टीम वाले उतरे ड्रेन में, उसके बाद नेट डालने की कोशिश की लेकिन वहाँ पे जगह नहीं थी तो नेट से भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे, फिर रिस्क लेके उन्होंने सीधा लीश ही अप्लाई की। हालांकि डॉग अग्रेसिव नहीं था तो आराम से हो गया ये चीज़, फिर उसको वहाँ से निकाला और काफ़ी अंदर गए थे बेचारे। ड्रेन के? हाँ जी काफी अंदर गए थे। सीवेज ड्रेन टाइप थी क्या? हाँ। ओ रे, कौन कौन गया? रविंदर जी और अभिलाष थे उस वक्त। अभी तो हमारे सारे रेस्क्यूज रविंदर जी, अभिलाष और नवीन ही देख रहे हैं। नूरी का जो अपडेट है वो तो हम आपको कल देंगे, एक अपडेट जो कल मैं आपको और दूंगा वो है अस्पताल के बारे में, क्योंकि मेरा तो सारा समय आजकल अस्पताल में जा रहा है। खैर तुमने कहा तुम्हारे 3 नहीं 4 रेस्क्यूज और हैं। 3 न्यू पपीज रेस्क्यू होके आए हैं और एक किटन आई है। एक पपी आया हमीरपुर से जिसको नर्व डैमेज है, दूसरा पपी आया गोपालपुर से इसको हुआ क्या हमीरपुर वाले को नर्व डैमेज, कैसे हुई नर्व डैमेज कोई आइडिया नहीं है सर। नर्व डैमेज नर्व डैमेज नहीं है प्रॉपर, ऐसे तो डॉग बस वीक है लेकिन अचानक से ना उसको फिट्स जैसा, मतलब थोड़ा सा बॉडी वियर्डली मूव करता है, वो जो डिस्टेंपर के बाद होता है वो लग रहा था लेकिन हमने टेस्ट किया, टेस्ट में नेगेटिव ही आया उसका। एपिलेप्सी तो नहीं है? नहीं अभी तक तो सर ने सिर्फ इतना बोला कि थोड़ा नर्व इशू हो सकता है ना, तो अभी तो हम 15 डेज उसको आइसोलेट ही रखेंगे और जैसे जैसे इसका बॉडी मूवमेंट देखेंगे, धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे तभी कुछ समझा बता। तो हमें पता नहीं है। नहीं सर, जो दूसरा पपी आया है उसका एक्सीडेंट हुआ था, पीछे वाले हिस्से में कोई फ्रैक्चर नहीं है, माइनर डैमेज है हिप वाले एरिया में ना। Okay. तो उसको प्रॉपर सिर्फ केज रेस्ट ही बोला गया है कि उसको केज रेस्ट ही करवाना है, हमने उसको भेज दिया था पालमपुर। क्योंकि ये जो कूल्हे का जो फ्रैक्चर होता है ना, इसका कोई प्लास्टर वगैरह हो नहीं सकता, आपको उस मोबिलिटी ही लिमिट करनी पड़ती है। फ्रैक्चर भी नहीं है सिर्फ डैमेज है जिसकी वजह से पेन बहुत ज्यादा है, हल्की उसको हिट हुआ ना तो चोट आई है, दर्द बहुत ज्यादा है तो केज रेस्ट ही सोल्यूशन बताया। इसमें तो मेलोनिक्स आप लगा रहे हैं? हाँ जी। मेलोनिक्स जो पेन किलर है ना इन केसेस में देते हैं, क्योंकि ये जो इन्फ्लेमेशन है सूजन उसको भी कम कर देता है, तो एक्सीडेंट वाले सारे केसेस में मेलोनिक्स ही लोग देते हैं। डोजेज आप वेट से पूछिएगा। और जो तीसरा पपी आया वो आरती, जो कि काफी सारे रेस्क्यूज में हमारी मदद करती हैं, वो अपने किसी स्ट्रे डॉग को लेकर आ रही थी चेकअप के लिए और उस टाइम पे वो पपी उनको एकदम रोड के किनारे मिला, बहुत छोटा सा है, इंजरी नहीं है लेकिन वेदर कंडीशंस और ये। तो इसका क्या अडॉप्टेबल है? हमारे पास कुल कितने अडॉप्टेबल है? अराउंड 12 होंगे सर। कुछ अडॉप्शन से रिलेटेड हम न्यूज आपको कल भी देंगे। और एक किटन आपके पास और आई ना, स्किन कंडीशन है, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है लेकिन उसके बाल थोड़े से कम है, बहुत ही ज्यादा पतली सी किटन है, वीकनेस की वजह से भी हो सकता है, तो उसकी मल्टीविटामिंस वगैरह चल रही है। अभी फॉर अ वीक हमने इसको आइसोलेशन में रखा था यहाँ, ताकि अगर कोई ऐसे स्किन कंडीशन हो जो फैल सके वो जज करने के लिए, तो हम उसको बाद में शिफ्ट कर देंगे और हेल्दी हो जाएगी तो फिर अडॉप्शन में डालेंगे। हमारे कोई रिलीजेस जी हमारे एक्चुअली अभी मैं बताऊँ, ये सब भी हम आपको कल बताएंगे।